दोस्तों मध्य प्रदेश से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में जिसको लोग भैरव बाबा का प्रतीक मानकर पूजा कर रहे थे वो असल में डायनासोर का अंडा निकला। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस तस्वीर में जो आपको आदमी दिखाई दे रहे हैं इनके हाथ में ये डायनासोर का अंडा है और इसी अंडे की ये व्यक्ति 17 साल से पूजा कर रहे थे भैरव बाबा का प्रतीक मानकर। इनकी मान्यताएं भी अलग अलग थी और यही नहीं पूरे गांव के लोग इसी अंडे को भैरव बाबा प्रतीक मानकर पूजा कर रहे थे। यह घटना डायनासोर से जुड़ी हुई है इसलिए आपके लिए यह इंटरेस्ट का विषय हो सकती है। और मध्य प्रदेश का धार जिला जो है वो मिनी जुरासिक पार्क या भारत का जुरासिक पार्क कहा जाता है। वहां पर डायनासोर के अंडों की भारी मात्रा में भारी संख्या में हमेशा अंडे मिलते रहते हैं, डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं और हजारों करोड़ वर्ष पहले जो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है उनके भी अवशेष, उनके भी जीवाश्म वहां मिलते जुलते हैं। चलिए इसकी पूरी कहानी मैं आपको ठीक ढंग से आगे समझाता हूं। पहले इनको आप जान लीजिए कि ये है कौन। इनकी उम्र 40 साल है और इनका नाम वेस्तला मंडलोई है। इन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवाया था जहां पर ये अंडा उन्होंने रखा था और वहीं पर लगभग पूरे गांव के लोग आते थे और इस अंडे को भैरव बाबा का प्रतीक मानकर पूजा करते थे और इसे वहां के लोकल लोग भिल्लड़ बाबा भी कहते थे। और इसी जगह पर मुर्गे और बकरे की बलि भी दी जाती थी और मान्यता ये थी कि उनका मानना ये था कि इस जगह पर पूजा करने से उनकी खेती में लाभ होगा, उनके मवेशी जो है वो स्वस्थ रहेंगे और तमाम तरीके की उन्नति होगी। लेकिन जब वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये मामला जिस चीज़ की ये पूजा कर रहे हैं वो असल में डायनासोर का अंडा है तो जागरूक किया गया क्योंकि वो इलाका ही संरक्षित है। तब इन्हें बताया गया कि नहीं भाई, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो भैरव बाबा नहीं बल्कि डायनासोर का अंडा है। और वहीं नहीं, वह अगल बगल के एरिए झाड़ा झाबा अखाड़ा जमन्यापुर और तकारी, ये 4 इलाके ऐसे और मिले जहां पर इसी तरह के पत्थर को रखा जाता था। असल में ये पत्थर नहीं डायनासोर का अंडा है और रखा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। अब ये क्यों हो रहा है, अब आप ये सोच रहे होंगे डायनासोर तो हजारों करोड़ वर्ष पहले ही समाप्त हो गए तो अब डायनासोर का जिक्र क्यों आ रहा है। तो उसके लिए आपको मध्य प्रदेश के धार जाना पड़ेगा। एक संरक्षित एरिया है धार जिला, जहां पर आपको 6.5 करोड़ वर्ष का इतिहास आपको आंखों से देखने को मिल जाएगा कि धरती में कब कब बदलाव हुआ है, डायनासोर कहां थे, कैसे थे, कितने बड़े दिखते थे, क्योंकि वहां जीवाश्म आज भी मौजूद है। वैज्ञानिक लगातार इस पे काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक शाकाहारी, ये आप देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है डायनासोर का अंडा, ये एक बड़े से जीवाश्म पे ये लिख के रखा गया है कि डायनासोर का अंडा, वो आपको दिख भी जाएगा अगर आप वहां जाएंगे। ये इसका नाम है टाइटनोसारस। ये जो ये डायनासोर होता था ये शाकाहारी है और इसी के अधिक जीवाश्म है। वैज्ञानिकों ने वहां पर बताया है कि भाई ये डायनासोर का जो अंडा आप देख रहे हो, ये अंडा है डायनासोर का, उसे संरक्षित करने की जरूरत है कि ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसे देखे। विशेषज्ञों की तरफ से जिले को यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल जियो पार्क के रूप में दिलाने की भी योजना चल रही है ताकि जीवाश्म और जितने भी चीजें हैं वो सुरक्षित रहे। तो जिस चीज की पूजा 17 साल से हो रही थी और उससे पहले से हो रही थी, क्योंकि लगातार लोग, चूंकि इतिहास 17 सालों का दिख रहा है तो वो चीजें आपको लिखी पढ़ी जा रही है। ये देखिए, ये अंडे का स्वरूप है और इस पे तमाम चित्र बनाए गए हैं और इस पे ऐसा चित्र जैसे कि किसी की भौं है, ये आपको भौं दिखाई दे रही होगी और ये आंख दिखाई दे रही होगी, ये भैरव बाबा का प्रतीक बनाकर इस अंडे पे पूजा बनाई गई है। जो सीपीजीजी की संयोजक है शिल्पा, उन्होंने कहा है कि हमने पाया है कि लोगों ने डायनासोर के अंडे पर चेहरे की आकृतियां बनाई थी। उन्होंने काकर भैरव के रूप में पूजा की जा रही थी। काकर का अर्थ होता है भूमि या खेत और भैरव भगवान को कहते हैं। उन्होंने कहा स्थानीय लोगों ने टीम को सूचित किया कि दिवाली पर उन्होंने गर्भवती मवेशियों को स्वस्थ बच्चे के प्रसव के लिए पत्थर के गोले से विधि कराई थी। शिल्पा ने
ने कहा, हमारे निदेशक ने लोगों से जीवाश्म पार्क को विकसित करने के योगदान के लिए भी कहा है। ये तब पता चला कि जब इस पत्थर से तमाम अंधविश्वास के काम किए जा रहे थे। बार बार मैं पत्थर कर रहा हूँ, असल में ये डायनासोर का अंडा है, चूंकि जीवाश्म हो गया है इसलिए पत्थर की तरह ये दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मध्य प्रदेश के धार जिले को, ताकि अगर आप कभी मध्य प्रदेश जाएं तो इस जगह पर जरूर जाएं, क्योंकि इस जगह पर आपको इतिहास का भी इतिहास मिल जाएगा। मध्य प्रदेश इसको इस जब आप यहां पर जाएंगे तो कालांतर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसे विनाश कहें या उत्पत्ति, उदाहरण आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। हमेशा यहां पर वैज्ञानिक जाते हैं, इसको अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो परत दर परत जितनी खुदाई होगी, माना जाता है कि पहले यहां एक विशाल समुद्र का हिस्सा आता था, इसलिए समुद्र के तमाम घोंघे, तमाम मछलियां और तमाम वो बड़ी चीजों के जीवाश्म यहां पर आज भी मौजूद है। यहां के कई वीडियोस आप जब सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको कि उसमें घोंघा भी, बड़े बड़े घोंघे दिख जाएंगे, उसके जीवाश्म दिख जाएंगे, शार्क मछली से भी खतरनाक मछलियों के जीवाश्म दिख जाएंगे। हालांकि ये एरिया को अभी ठीक ढंग से संरक्षित नहीं किया गया है, क्योंकि यूनेस्को में हेरिटेज पार्क की मान्यता भी इसे नहीं मिल पाई है, और लगातार इस पर प्रयास किया जा रहा है भारत की तरफ से कि अगर इसे मान्यता मिल जाएगी तो तमाम वो चीजें आसान हो जाएंगी जो आने वाली पीढ़ी को ठीक ढंग से समझाने में काम आएंगी कि भाई मध्य प्रदेश भारत का वो हिस्सा था जो कभी द्वीप का हिस्सा हुआ करता था, वहां डायनासोर भी होते थे। यहां पर चारों तरफ आपको डायनासोर के अंडे दिखाई देंगे। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि ये डायनासोर के अंडे हैं, लोग पत्थर ही समझते थे। खेत की जुताई करते समय, खुदाई भूमि के निर्माण के समय अक्सर बड़ी बड़ी गोलाकार पत्थर मिल जाते थे, लोग इसे पत्थर समझ के पीस देते थे या फेंक देते थे या कहीं पे भी लगा देते थे। लेकिन लोग बाद में समझना शुरू किए, जब वैज्ञानिक युग का आरंभ हुआ, लोगों ने समझना शुरू किया तो लोगों ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई ये डायनासोर के अंडे हैं। और जब ये पता चला कि ये डायनासोर के अंडे हैं तो तस्करों की नजर भी इस जगह पे पड़ गई। ग्रामीणों को तस्कर संपर्क करते हैं, कहते हैं भाई ये अंडा तुम हमें दे दो, जब तुम्हें मिले तो हमें दे दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे। और इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 650 करोड़ साल पहले अगर कुछ भी उस समय की चीज उपलब्ध होगी तो आप उसकी कीमत का अंदाजा लगाइएगा। औने पौने दामों पे यहां से तो किसानों से तो खरीद लेते होंगे, लेकिन विदेशों में जाकर अगर इस अंडों को, इस जीवाश्म को बेचते होंगे तो बड़ी बड़ी लेबोरेटरियां कितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाती होंगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहां पर जो डायनासोर है उसके जीवाश्म चारों तरफ है। एक अंडा ऐसा मिला था यहां पर कि देखिए, जिसमें डायनासोर विकसित दिख रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे तो डायनासोर की हड्डियां बन चुकी हैं, विकसित है। जब ये अंदर से आडा अंडा काटा गया तो विकसित दिख रहा था। इसमें देखिए किस तरह से डायनासोर बैठा हुआ, पिक्चरों में आप देखे होंगे कि डायनासोर जो है वो किस तरह से अंडे से बाहर निकलता है, लेकिन ये असली है। और यहां अलग अलग घोंसलों में, ये घोंसले आप देखेंगे अलग अलग घोंसलों में, कि कुछ डायनासोर जो 10 अंडे देते थे, 20 अंडे देते थे, उनके अंडे भी उसी तरह अभी तक बने हुए हैं। और हालांकि वो जीवाश्म बन गए हैं, पत्थर बन गए हैं, और वैज्ञानिक बताते हैं कि यहां डायनासोर के अंतिम चहल पहल के निशान हैं और साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, जिनकी उम्र लगभग 650 करोड़ साल पुरानी है। मतलब अंतिम चहल पहल, जब डायनासोर इस धरती से गायब होने वाले थे, एक महान प्रलय, एक बड़ा प्रलय आया था, उस समय तक के निशान यहां पर दिखाई देते हैं। इस पे कई रिपोर्ट्स भी आप देखेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस समय यहां जीवाश्म पाए गए उस समय भारत का जो भूभाग था वो दक्षिणी गोलार्ध में था। अगर इस स्थान को यूनेस्को का एक हेरिटेज का दर्जा मिल जाता है तो बहुत सारे रहस्य आसानी से सुलझ सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने ठीक से समझा होगा तो डायनासोर को अगर आपको महसूस करना है तो आपको मध्य प्रदेश के थार जाना पड़ेगा। अगर समझा होगा आपको, धार जाना होगा, और धार में जाने पर आपको ये तमाम चीजें देखने को ठीक ढंग से मिल जाएंगी कि डायनासोर कैसे थे, कितने बड़े दिखते थे, आप शायद इमेजिन कर सकें, और वहां पर क्या क्या है, कैसे है, क्या था, ये तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जिस पत्थर की, जिस वो पत्थर समझ के भैरव जी की पूजा पिछले 40 वर्षों से चल रही थी, वो डायनासोर का अंडा निकला, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।